हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। गाइज आज मैं अपने रीडिंग लेके आई हूँ। गाइज आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेके, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके व्यूअर्स, तो गाइज जनरल रीडिंग होने वाली है, सभी जोडिक साइन के लिए होने वाली है। गाइज तो ऐसे जनरल वे में से लेना है, जितना पार्ट आपके साथ में रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट करिए, जो पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करता उसे जाने दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, पर्सनल रीडिंग गाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गाइज ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप जो रीडिंग के लिए ही है स्पेशली, तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा गाइस कोई नंबर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई मेरे नाम से भी नंबर देता है तो प्लीज उस पर कॉल मैसेज मत करिएगा। ओके व्यूअर्स, रीडिंग को प्लीज लाइक कर दीजिएगा गाइस, चैनल आपको अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन एंजल मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करिए, इनके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर, क्या वो सोचते हैं, क्या उनके विचार हैं, प्लीज हमें गाइड करिए, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए, इन्हें बताइए। ओके गाइस, प्लीज हेल्प करिए डिवाइन। ओके गाइस, आपके लिए कार्ड आया पहला एंजल ऑफ लव, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वुमेन होल्डिंग ए कॉइन, एंड गाइस हमारे पास है एंजल ऑफ बैलेंस। ओके विक्ट्री एंड गाइस एनवी, हमारे पास एक कार्ड है और गाइस हमारे पास है टेम्पल पाथ एंड बॉटम ऑफ द डेक है गाइस क्यूनोकोपिया। ओके गाइस, सो आई होप आपको कार्ड अच्छे से नजर आ रहे होंगे, थोड़ा सा कैमरा पहले एडजस्ट कर लेते हैं। ओके ओके व्यूअर्स, तो गाइस यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड इस तरह से निकल के आए गाइस, मुझे ये वाइब्रेशन दे रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन की गाइस कुछ करंट एनर्जी कुछ समथिंग लाइक सस्पिशियस मुझे नजर आ रही है। मे बी आपको लेके थोड़ा सा ये इनसिक्योर मुझे नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा सस्पिशियस नजर आ रहे हैं आपके लिए, मुझे रिश्ते के लिए गाइस नजर आ रहा है बेसिकली कि मे बी हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा है गाइस जो एक दूसरे के साथ में शेयर नहीं हुआ है, उस चीज को लेके गाइस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे शंका सी कुछ नजर आ रही है इस रिश्ते के लिए बेसिकली। तो गाइस ये जो पर्सन है गाइस इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा ये इन्होंने बहुत ज्यादा सोच रहे हैं रिश्ते के ऊपर, क्या मुझसे छुपाया जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, समथिंग लाइक कहते हैं ना जलन वाली कुछ आपके, हो सकता है किसी के साथ में आप बात करते हो, रिश्ता बहुत ज्यादा अभी हो सकता है कि आपका मेच्योर नहीं है, एक दूसरे के साथ में खुल के अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हो, शायद मे भी ऐसा हो सकता है। इवन कुछ लोग लिए गाइज मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप दोनों रिलेशनशिप में तो हो बट आपका नेचर गाइज एक फ्रेंडली नेचर है, आप सबके साथ में बात करते हो कुछ ऐसा है, और आपके पर्सन को गाइज कुछ इस तरह से पसंद नहीं है, वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर रहते हैं इन चीजों को लिए कि मेरा पर्सन है मेरा हक बनता है, समथिंग लाइक कि मुझे मेरे साथ ही टाइम स्पेंड करे मेरे साथ ही बातें करे, थोड़ा सा होता ना एक इनसिक्योरिटी टाइप की फीलिंग, वो गाइज मुझे यहाँ पे कुछ नजर आ रही है आपके पर्सन की तरफ से। तो गाइज ये जो फीलिंग है इन पर्सन की गाइज, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रहते हैं कि ये रिश्ता मतलब टिका रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, ये पर्सन सिर्फ मेरा है तो मेरा ही रहना चाहिए, किसी और से बात ना करे, मतलब कहते हैं ना किसी और से अगर हंस के बात भी कर ली, स्माइल देके बात करी तो इन्हें थोड़ा सा लगता है कि कुछ इस तरह से, आप समझ सकते हैं गाइज यहाँ पे मैं जो बोलना चाह रही हूँ। तो गाइज इस तरह से यहाँ पे फीलिंग निकल के आ रही है, ये जो पर्सन है गाइज इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा अपने आप में बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, राउंड एंड राउंड चलते रहते हैं, क्या होगा कैसे होगा, क्या कुछ गलत तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है ना, क्या वो मेरे ही है ना, समथिंग लाइक कुछ इस तरह से गाइज मुझे यहाँ पे एनर्जी नजर आ रही है। क्योंकि ये मैं कह सकती हूँ गाइज आपको लेके काफी ज्यादा पजेसिव है ये पर्सन, बहुत ज्यादा आपको मतलब अपना ही मानते हैं और अपना बना के हमेशा रखना चाहते हैं, मतलब एक नॉन शेयरिंग वाली गाइज मुझे यहाँ पे एक फीलिंग नजर आ रही है कि मतलब अपना हक है तो मेरा ही हक रहे, किसी और के साथ में मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो गाइज इस तरह से मुझे यहाँ पे आपकी पर्सन की फीलिंग आपके लिए गाइज यहाँ पे नजर आ रही है। ओके गाइज, तो ये जो पर्सन है गाइज बहुत ज्यादा मुझे इन चीजों को लेकर इनसिक्योर भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ गाइज इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा इन्होंने ख्वाब सजाए हुए हैं, प्लान सजाए हुए हैं इस रिश्ते को लेकर कि मैं अपने रिश्ते में ये सब करूंगा, आने वाले समय में मुझे ये सब चीजें करनी है, ये अचीवमेंट करना है, या अपने पर्सन के लिए मुझे ये चीजें करके देनी है, इस तरह से मुझे उसे खुश रखना है, अपने जीवन को और ज्यादा खुशहाली की तरफ लेके जाना है, समथिंग लाइक गाइस इस तरह से नजर आ रही है सारी की सारी ये जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गाइस
यहाँ पे आपके पर्सन के लिए गाइस कार्ड आए हैं एंजल ऑफ लव का, एंजल ऑफ बैलेंस का, यानी एंजल जो है गाइस कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में गाइस इन चीजों के लिए बैलेंस भी लेके आ रहे हैं। इनको इनको बताने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जताने की कोशिश की जा रही है, नहीं आपका पर्सन जो है वो आपके लिए फुली तरह डिवोटेड है, आपसे ही प्यार करता है, उसका फ्रेंडली नेचर जरूर है, बट डजेंट मीन कि वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है या किसी और के साथ में वो अपने फीलिंग को शेयर करना चाहता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। और इन चीजों को, इन इनसिक्योरिटी को यहाँ पे कहीं ना कहीं गाइस कंट्रोल करने की और इनको रिलीज करने की भी यहाँ पे एंजल यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की लाइफ के अंदर। तो ये जो है धीरे धीरे इस सिक्योरिटी से मुझे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, इस रिश्ते को लेके जो बहुत ज्यादा पजेसिव रहते थे या इनसिक्योर रह रहे थे, तो उन चीजों के गाइस कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है सिचुएशन, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक और अच्छा अट्रैक्शन मुझे फील करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इनके थोड़े से कहते हैं ना एक ओपन माइंडेड थोड़ा हो रहे हैं ये, अब बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी में और ज्यादा नहीं चलने वाले हैं आपको लेके, जो ये हमेशा चलते रहते थे, अब इन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट होने लगा है कि ये पर्सन मेरे साथ चीट नहीं कर रहा है और ये इस तरह का नेचर का नहीं है, बेशक इनका फ्रेंडली नेचर है पर ये मुझे चीट कभी नहीं करेंगे, ना ही मुझे धोखा देंगे, मेरे हैं तो मेरे ही बन के रहेंगे। तो गाइस इस तरह से मुझे इनको अपनी, कहते हैं अपनी इनसिक्योरिटी के ऊपर भी इनको जीत मिल रही है, और इस इनसिक्योरिटी से गाइस मुझे ये बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाइस इनके लिए एक स्पिरिचुअल पाथ भी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक इनको एंजल की तरफ से एक इस तरह से रास्ते पे लेके जाया जा रहा है जहां पर ये इस तरह की कंडीशन से बाहर निकल रहे हैं, और इनको बहुत सारी चीजें सामने से रिवील हो रही है कि मेरा पर्सन मेरे लिए फुली डिवोटेड है और मेरे साथ में कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। ओके व्यूअर्स, तो चलिए टैरो की तरफ से देखते हैं क्या एनर्जी निकल के आई है आपके पर्सन की, क्या सोचते हैं वो इस रिश्ते को लेके और उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। प्लीज एंजल गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए, हेल्प करिए। ओके गाइस, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया आपके लिए, नाइन ऑफ पेंटिकल, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है हमारे पास, एंड गाइस हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल, यस गाइस, एंड हैप्पी फैमिली। मैंने कहा ना गाइस यहाँ पे ये चीजें नजर आ रही है कि भाई देखो आपकी जोड़ी भी कुछ ऐसी है किंग एंड क्वीन टाइप की, बहुत ज्यादा और एक ही दिशा में आप लोग काम करते हो, सकता है एक ही जगह पे आप काम करते हो, एक ही फील्ड में हो या किसी एक ही कॉलेज में हो आपका, इस ऐसा नजर आ रहा है कि मतलब आपका जो होता है कनेक्शन एक ही प्लेस के ऊपर है, आप एक ही प्लेस पे बहुत ज्यादा मिलते हो, कुछ ऐसा मुझे गाइस यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, तो गाइस ये कार्ड मुझे कुछ इस तरह से ही बता रहे हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा एक अच्छा स्टैब्लिश रिलेशनशिप है, एक दूसरे के साथ में आपकी जो कनेक्शन है काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, बिल्ड हो चुका है, और एक दूसरे को लेकर आप बहुत ज्यादा गाइस सोचते हो, गाइस इस तरह से मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है गाइज। ओके, तो जैसे जैसे गाइज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है गाइज ये आपकी तरफ बहुत ज्यादा, एक तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव भी रहते हैं, आपसे हर समय मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो, कुछ भी दिमाग में आया, जस्ट आपको कॉल मिला दिया, समथिंग लाइक कुछ इस तरह से मुझे एनर्जी गाइज यहाँ पे नजर आ रही है। आपको लेके काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव भी नजर आते हैं गाइज मुझे, कि आपको हर समय और लोगों से बचाना चाहते हैं, और लोगों की कहते हैं ना एक कुछ लोग निगाहें कुछ लोगों की गलत होती हैं या कुछ लोगों की इंटेंशन गलत होती है, तो उससे आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको सेफ रखना चाहते हैं गाइज। इस तरह से मुझे इस पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है आपके लिए बेसिकली, जो काफी ज्यादा मुझे केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं गाइज आपको लेके। इस रिश्ते को गाइज अगर मैं देखूं तो इस रिश्ते को कहीं ना कहीं गाइज वो कम्प्लीशन की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं रिश्ते को, एक बॉन्डिंग इस रिश्ते की कहीं ना कहीं मुझे शादी की तरफ ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, कि आपको लेकिन काफी ज्यादा पजेसिव हैं, खोना नहीं चाहते रिश्ते को, हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बांध देना चाहते हैं। तो गाइज मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि इसमें इस रिश्ते के अंदर गाइज स्पेशली इन जो पर्सन की प्योर इंटेंशन जो है आपके लिए, वो एक मैरिड लाइफ मुझे नजर आ रही है कि हमेशा ये पर्सन बस मेरा ही रहे, मेरे साथ रहे, मेरी फैमिली में इन्वॉल्व हो, मेरी फैमिली का पार्ट बने, मेरी मतलब मेरी पूरी जिंदगी इस पर्सन के साथ में चले, और मैं हंसते खेलते इस पर्सन के साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिता दूं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक प्योर इंटेंशन इस पर्सन की गाइज आपके लिए बहुत सारी एक फैसिलिटी देना है, आपको सुख देना है, संपत्ति देना है, और आपको हर तरह का, मतलब कहते ना एक पर्सन जो एक चाहता है अपने जीवन के अंदर अपने जीवन साथी को हर तरह का सुख देना, चाहे वो एक फिजिकल हो या मेंटल हो या किसी भी तरह का सुख हो, वो हर तरह का सुख गाइज मुझे ये पर्सन आपको देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि गाइज यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली मुझे आपके लिए नजर आ रही है, जिसमें बहुत सारा एक
सुख है गाइस, मटेरियल सुख जिसे हम कहते हैं ना, इस संसार के अंदर जिस तरह के सुख हर एक पर्सन चाहता है वो सारे सुख गाइस ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। तो गाइस इसी तरह से ये एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगाते हैं और आपको हर समय सिक्योर और सेफ रखने की गाइस ये कोशिश भी करते हैं। हो सकता है गाइस आप किसी से बात करने जाते हो तो इनको अच्छा नहीं लगता और आपको वहां से खींच के ले आते हो या आपको टोक देते हो, तो गाइस मुझे इस तरह से एनर्जी भी नजर आ रही है क्योंकि गाइस ये आपको लेके बहुत ज्यादा गाइस पजेसिव बहुत ज्यादा है। आपको एक पल के लिए छोड़ना नहीं चाहते, एक पल के लिए आपको दूर नहीं देखना चाहते हैं गाइज अपने आप से, तो गाइज मुझे इस तरह से ये नजर आ रहा है। हो सकता है गाइज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि एक दूसरे के साथ में मिल पाना शायद आपका कुछ टाइम से पॉसिबल ना हो पा रहा हो गाइज, और इसी बात को लेके ये बहुत ज्यादा गाइज मुझे एफर्ट्स भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी बातें शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ में कॉन्टेक्ट में आना चाहते हैं और एक नई ही शुरुआत गाइज मुझे करते हुए पर्सन नजर आ रहे हैं। गाइज बहुत ही एनर्जी की बात करूं गाइज, बहुत ही इंटेंस एनर्जी निकल के आई है इस पर्सन की तरफ से रिश्ते के लिए, क्योंकि गाइज ये रिश्ता मुझे तो नजर आ रहा है कि भाई शादी की तरफ तो जरूर जाएगा। इस पर्सन की गाइज ये इंटेंशन भी है कि आपके साथ में अपना घर बसाना, अपनी जीवन को आपके साथ में शेयर करना, तो गाइज ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट बनाना चाहता है और आपको गाइज कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता ये पर्सन। तो गाइज ये मुझे इस पर्सन की इंटेंशन आपके लिए नजर आ रही है। गाइज कुछ और कार्ड भी देखते हैं प्लीज, डिवाइन बताइए इन पर्सन के लिए आप क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ है इनके माइंड में इस रिश्ते को लेके। ओके पॉसिबिलिटीज गाइज, पॉसिबिलिटीज तलाशते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। कमिंग क्लाइंग टू द पास्ट, ओके अंडरस्टैंडिंग गाइज, सोरो एंड गाइज बर्डन, ओके एंड गाइज हमारे पास है प्रोजेक्शन। तो गाइज यहाँ पे जो कार्ड निकल गए हैं गाइज, ये कार्ड मुझे बताते हैं गाइज आपके जो पर्सन है गाइज आपके लिए, मतलब आपको अगर लगता है कि ये पर्सन मुझसे दूर हो रहे हैं समथिंग लाइक, या इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आपको शायद एक दूसरे से दूर कर दे, कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा पजेसिव है ये पर्सन मुझे लेके, पता नहीं इसके घर वाले तैयार होंगे नहीं होंगे गाइस। तो ये पर्सन गाइस हर तरह से वो पॉसिबिलिटीज मुझे तलाशते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं तो कुछ ऐसा नजर आए कि घर वाले भी इजिली आपके और इनके दोनों एग्री हो जाए रिश्ते को लेके, और इनके जो आपके साथ में बॉन्डिंग है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, रिश्ता कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बन जाए। तो गाइज मुझे ये चीजें यहाँ पे नजर आ रही है। ओके व्यूअर्स, तो गाइज ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप को गाइज आगे और लेके जाना चाहते, छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते, मतलब ऊंचाइयों पे लेके जाना चाहते, ऊंचाइयां के हाइट्स क्या इस रिश्ते की, इस रिश्ते की सक्सेसफुल होना। तो गाइज ये मुझे नजर आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा गाइज ये पसंद करते हैं, आपके साथ में इन्हें बातें करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अंडरस्टैंडिंग गाइज आप दोनों की बहुत ज्यादा अच्छी, एक दूसरे की नीड्स को बहुत अच्छे से आप पहचानते हो गाइज, मुझे यहाँ पे ये चीजें क्लियरली नजर आ रही है कि सामने वाले पर्सन को क्या चाहिए, किस तरह से वो आपके लिए फीलिंग्स को रखता है गाइज। ये जो पर्सन है गाइज स्पेशली ये आपको देख के समझ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्या आपकी नीड्स हैं गाइज, मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है गाइज। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत ज्यादा पजेसिव है तो आपको फ्रीडम नहीं देना चाहते, ऐसा नहीं है गाइज, वो आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में जीवन जीना चाहते हैं, पर आपको किसी तरह से बांध के नहीं रखना चाहते हैं, किसी बाउंडेशन में नहीं रखना चाहते, वो आपको लिबर्टी भी देना चाहते हैं कि आप अपने जीवन के अंदर अपनी जो ख्वाहिशें हैं उन्हें भी आप पूरा कर सके, बट ये आपको किसी और के साथ में शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इन्होंने किसी और के साथ में बातें करते हुए देखना इनको आपको पसंद नहीं आता है, तो इसी को लेकर जब कभी इस तरह से कुछ देख लेते हैं गाइज तो इनको थोड़ा लगता है कि यार मुझसे कहां गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा हूं, क्या ये मेरी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लाइक समथिंग इसी लाइफ का, इसी तरह से गाइज इनकी लाइफ में मुझे कुछ पेन भी नजर आ रहा है, जब कुछ नेगेटिविटी में चले जाते हैं, कुछ इस तरह से कुछ सोचने लगते हैं गाइज, तो इनके ऊपर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बर्डन क्रिएट हो जाता है, मतलब अपनी ही सोच का एक बर्डन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है गाइज, और उसको रिलीज करने में काफी ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि गाइज इनका जो नेचर है कहीं ना कहीं पॉजिटिव नेचर भी मुझे नजर आ रहा है कि भाई एक प्यार बहुत ज्यादा, एक ट्रू लव है, एक डीप लव है, और इसी की वजह से गाइज यहाँ पे ये बर्डन भी मुझे इनकी लाइफ में क्रिएट भी नजर आता है कि अननेसेसरी गाइज ये खुद के ऊपर ले आते हैं, ठीक है गाइज। ये अपने आप को अपना और आपका एक ऐसा रिलेशन मानते हैं गाइज की खुद को आप में देखना और आपको खुद में देखना गाइज इनकी एक हैबिट सी बन चुकी है गाइज, मतलब एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीशन मुझे यहाँ पे फील होता है इस पर्सन की तरफ से कि मतलब ये मेरी लाइफ में नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी लाइफ इस पर्सन के साथ में कंप्लीट है। तो गाइज यहाँ पे मुझे कुछ फ्यूचर के लिए भी नजर आता है कि ये जो गाइज एक्शन लेते मुझे आपकी लाइफ में नजर आ रहे हैं कि ये जो पर्सन है गाइज बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपसे बात करने वाले हैं, रिलेशनशिप को लेकर अपने घर वालों से मुझे बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप के लिए
ऐसे मैंने सोचा है और मुझे इस तरह से इसके लिए कदम उठाने हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये रीडिंग थी गाइज, आई होप आपके साथ में रीडिंग गाइज रेजोनेट हुई होगी। अगर गाइज हुई है तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल आपका अपना गाइज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ गाइज नई रीडिंग में नए टॉपिक के साथ में, टिल देन अपना ध्यान रखिए गाइज, खुश रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ओके व्यूअर्स, सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।